Hi guys, welcome back to our channel Doctor's Query. This is Rohit, fourth year student of Premier Federal University and we are back with our new video. तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट एडमिशन प्रोसेस इन रशिया और हमने वो सारे पॉइंट डिस्कस किए थे जो आपको फॉलो करने हैं फॉर अप्लाइंग इन एनी यूनिवर्सिटी इन रशिया। और अपनी आगे आने वाली वीडियोस में हम सारी यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको उनका बजट, उनका करिकुलम और सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए बिफोर अप्लाइंग इन एनी यूनिवर्सिटी। तो गाइस आज की ये वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमने आपको बताया था कि हम सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमने फेडरल यूनिवर्सिटीज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है और आज हम डिस्कस करेंगे कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में और हम सारी बातें जानेंगे, क्या इसका बजट है, क्या इसकी हिस्ट्री है, सिटी के बारे में जानेंगे, प्रोसीजर के बारे में जानेंगे, एजुकेशन प्लान के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ। सो गाइस स्टे ट्यून्ड टिल एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज दिस विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव। चलिए बात करते हैं कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में, थोड़ी हिस्ट्री इसकी जान लेते हैं हम। सो ये यूनिवर्सिटी 1804 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये रशिया की सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है कज़ान सिटी में जो कि रिपब्लिक ऑफ ततारस्तान में है। और अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी में आपको ततार और रशियन एक मिक्स कल्चर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग जो कज़ान की है वो एक मोर देन एवरेज कॉस्ट है, तो यहाँ पर थोड़ी सी महंगाई आपको मिल सकती है। इसके अलावा बात करें कि मॉस्को से कितनी दूर है, तो 500 माइल्स दूर है कज़ान मॉस्को से। अगर आप फ़्लाइट से जाते हैं तो आपको 2 से 2.5 घंटे वहाँ पर जाने में लग जाएंगे। इसके अलावा जो कंसर्न टॉपिक रहता है स्टूडेंट्स का टेम्परेचर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि समर्स में जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो रहता है 25 डिग्री सेल्सियस और जो विंटर्स में एवरेज टेम्परेचर रहता है वो रहता है -15 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। कज़ान फेडरल एक बहुत ही डिसिप्लिन और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। यहाँ पर 11,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं फ्रॉम 101 कंट्रीज़। इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पर 100 प्लस इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। सीट्स के बारे में अगर बात करें तो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ यहाँ पर 80 ही सीट्स अवेलेबल हैं और यही एक रीज़न है कि यहाँ पर इतने कम इंडियन स्टूडेंट्स हैं। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो QS वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंग इसको 347 प्लेस मिला है और कंट्री रैंकिंग 13 मिली है। इसके अलावा अगर हम द वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो वहाँ पर इसको 98 पोजीशन मिली है और कंट्री रैंकिंग 1 मिली है। तो आप रैंकिंग से जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्यों कज़ान फेडरल एक बहुत ही डिसिप्लिन और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा अगर हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें, कौन सी लैंग्वेज में यहाँ पर पढ़ाया जाता है, तो ये एक फुल इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है और इसमें इंग्लिश में ही आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि एडमिशन यहाँ पर कैसे होगा। तो हमारी लास्ट वीडियो में हमने एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताया था जो कि होल रशिया में सेम है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है सो गो चेक इट आउट, वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस और यू कैन लीव द क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। तो हम क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कज़ान फेडरल में एडमिशन लेने का, सबसे पहला है कि आपको 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में 12th क्लास में। सेकेंडली आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप कज़ान फेडरल में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो कज़ान फेडरल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपेरिजन में थोड़ा सा अपर लेवल का होता है। यहाँ पर सिर्फ 80 सीट्स हैं और 1000 स्टूडेंट्स हर साल यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जिसमें सिर्फ 20 से 25 इंडियन स्टूडेंट्स ही यहाँ पर एडमिशन ले पाते हैं। अगर और हम बात करें एंट्रेंस के बारे में
तो जो सब्जेक्ट्स आपके एंट्रेंस में आते हैं वो होते हैं इंग्लिश, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। टोटल मार्क्स 300 का होता है एग्ज़ाम, और इसमें से आपको 170 से 180 से ऊपर मार्क्स लेके आने होते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स के अलावा आपके नीट का स्कोर और आपके ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज थी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, ये भी देखा जाता है। तो ये जो क्राइटेरिया है एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करने का, जिसमें आपके नीट के मार्क्स, जिसके आपके ट्वेल्थ के मार्क्स और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स तीनों देखे जाते हैं, यही एक रीज़न बनता है कि यहाँ पर इतने कम स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल पाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि रिकग्निशन कौन कौन सी हैं, तो कज़ान फेडरल WHO से भी रिकगनाइज्ड है, NMC जो इंडिया की मेडिकल काउंसिल है वहाँ से भी रिकगनाइज्ड है, USMLE आप दे सकते हैं, PLAB आप दे सकते हैं, और बाकी जो बड़ी बड़ी मेजर कंट्रीज़ है जहाँ पर PG करवाई जाती है लाइक जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, इन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी। तो ये सब था एजुकेशन प्लान के बारे में कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी का, और अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका बजट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कज़ान फेडरल की जो एनुअल फीस है वो है 4,50,000 रूबल्स, और इसको अगर हम 6 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये 27 लाख रूबल बन जाता है। ये रूबल्स में है तो आपको इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आप गूगल पर जो एक्चुअल रेट चल रहा है वो आप देख सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी हम आपको बताएंगे रूबल्स में बताएंगे। तो टोटल फीस, ट्यूशन फीस जो है आपकी 27 लाख हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट जो फीस होती है वो होती है हॉस्टल फीस। हॉस्टल फीस आपकी पर ईयर 7,200 रूबल्स है। अगर हम इसको 6 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये 43,200 रूबल्स बन जाती है। तो आपकी हॉस्टल फीस हो चुकी है, आपकी ट्यूशन फीस हो चुकी है। इसके अलावा जो और चार्जेस लगते हैं वो होते हैं आपके मेडिकल चेकअप, मेडिकल इंश्योरेंस, वन टाइम चार्जेस और आपका वीज़ा एक्सटेंशन। तो अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो आपका जो बजट बनता है एक फर्स्ट ईयर के लिए वो होता है आपका 6 लाख रूबल्स। इसको आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा आता है आपका पर्सनल एक्सपेंस। तो हम एक स्टूडेंट का एवरेज पर्सनल एक्सपेंस एक महीने का 10,000 मान के चलते हैं, 10,000 रूबल। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको 1 लाख पर ईयर का पड़ जाएगा। इसके अलावा जो चार्ज आता है वो है आपका एयर टिकट का। जितने बार आप इंडिया जाएंगे उतनी बार आपको एयर टिकट का प्राइस पे करना पड़ेगा, तो वो भी आपके हिसाब में। तो अगर हम सब कुछ कैलकुलेट करें, आपका ट्यूशन फीस, आपका हॉस्टल फीस, आपका मेडिकल चेकअप, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, वन टाइम चार्जेस, टोटल मिला के आपका जो बजट बनता है, जो कज़ान फेडरल का टोटल मिला के बजट आता है वो आता है 35 to 36 लाख। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि बहुत सारे बच्चे कज़ान फेडरल के लिए अप्लाई कर देते हैं और कंसल्टेंट इस यूनिवर्सिटी को एक डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं। वो मतलब बता देते हैं कि हाँ कज़ान फेडरल में आप एडमिशन ले लीजिए, हो जाएगा एडमिशन, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सीट्स कम है, और वो तीन चीज़ें नीट के मार्क्स, आपके ट्वेल्थ के मार्क्स और एंट्रेंस के मार्क्स तीनों मिला के आपका एडमिशन होता है। फिर क्या होता है, इसमें एक फ्रॉड होता है बच्चों के साथ कि कंसल्टेंट बोल देते हैं कि हाँ आपका एडमिशन हो जाएगा, और उनसे फ़ीस ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो भी है, और फिर उसके बाद जब बच्चे का एडमिशन नहीं होता वहाँ पर, वो एंट्रेंस या फिर जो भी है उनके मार्क्स मिलाकर वो एलिजिबल नहीं हो पाते, फिर वो अपनी मर्ज़ी से वो किसी भी यूनिवर्सिटी में उनको डाल देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कज़ान फेडरल में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ आपको 2-3 बैकअप ऑप्शंस भी रखने होंगे। कज़ान फेडरल में आप अप्लाई कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आपको कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छी बात है, बट इसके बावजूद भी आपको बैकअप ऑप्शन रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जा रही है, जो भी आपने फ़ीस दिया किसी भी कंसल्टेंट को वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, वो आपकी फंस जाएगी, वो आपकी चली जाएगी। और अगर वो चली गई फिर आपको जो एडमिशन है वो आपके कंसल्टेंट के हाथ में होगा, वो जो जहाँ चाहे वहाँ पर आपका एडमिशन करा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी बिफोर अप्लाइंग इन कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी। तो अगर आप एक अच्छी फेडरल यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं और आपको उसमें एडमिशन लेना है, और आप इतने काबिल हैं, आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं कि आप कज़ान फेडरल में पढ़ सकते हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि बैकअप ऑप्शंस भी रखिए, क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका बजट 35 से 36 लाख तक का है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में, हमने डिस्कस किया इसके एजुकेशन प्लान, इसका बजट, ये
क्या क्या यहाँ पर एजुकेशन प्लान्स हैं, क्या क्या यहाँ पर कोलाबरेशंस होती हैं, कहाँ कहाँ से रिकगनाइज हैं, ये सब हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कज़ान फेडरल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो वो वाली वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड और एनी यूनिवर्सिटी इन रशिया, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। ऑल द इम्पॉर्टेंट नंबर्स आर गिवन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ऑल्सो लीव योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। वी विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। सो गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।